जो हमारा आने वाले 5 साल में क्या विजन है वो भी मैंने अभी सामने रखा कि हम किस तरह से चिकित्सा क्षेत्र में बाड़मेर को किस तरह से आगे ले जाएं, किस तरह से हमारे शहर में पानी की समस्या जो है उसको हम पूरी कर सकें, हर घर में पानी का कनेक्शन हो, हर घर में बिजली का कनेक्शन हो, कोई भी कक्षा कक्ष की कमी नहीं हो, अध्यापक की कमी नहीं हो, कॉलेजों में प्रिंसिपल मिले, कॉलेज में अच्छी भवन कॉलेज में मिले, अच्छी शिक्षा मिले। हमारा ये भी रहेगा कि आने वाले समय में बाड़मेर में शिक्षा की दृष्टि में हम और विश्वविद्यालय यहाँ बाड़मेर में खुले। बाड़मेर में पार्टी ने मुझे चौथी बार भरोसा जताया मेरे पर। मैं पहले सरपंच भी रहा हूँ, नगर पालिका का चेयरमैन भी रहा हूँ, चौथी बार ये कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया, 3 बार कंटिन्यू MLA रहा हूँ। बाड़मेर की जनता का स्नेह, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की शानदार कल्याणकारी योजनाएं, हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे AICC के अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, चाहे डोटासरा साहब, इन सब ने, प्रभारी जी हमारे, इन सब ने और बाड़मेर की 36 कौम की जनता ने भरोसा किया है। तो मैं उन जनता के भरोसों पर पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जनता से एक ही बात करूंगा, और जो मैंने मेरा विजन बताया कि 5 साल में मैंने क्या कार्य किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर जो शानदार जो 5 साल में जो फ्लैगशिप योजना आम जन तक उसका लाभ मिल रहा है, चाहे पानी की बात करो, शिक्षा, सड़क आपके, चाहे गैस सिलेंडर की 500 रुपये में देने की बात करो, खाद्य सुरक्षा की बात करो, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात करो, 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करो, 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन की बात करो, स्मार्टफोन की बात करो, रसोई गैस की, ये इंदिरा रसोई की बात करो, और जो शहरों के विकास की बात करो, पट्टे देने की बात करो, सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में, और इस तरह से सड़कों का कार्य हुआ, ओवरब्रिज हुए, अंडरब्रिज हुए, कॉलेज खुली, स्कूलों में कर्मोन्नत हुई, शिक्षा का विस्तार हुआ, बालिकाओं का शिक्षा का विस्तार हुआ, अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खुली, हर घर पानी का कनेक्शन, हर योजना, हमारी योजना कार्य को लेकर जनता के सामने जाओ, आप क्या करना चाह रहे हो, आप जनता में 5 सालों में क्या कर रहे हो, उसकी वो योजना लेके जाओ। आपने 5 सालों में कभी मुंह दिखाया जनता के सामने, गए वो तो आप गए नहीं जनता के सामने, अब जब इलेक्शन आए तब आप जा रहे हो, तो इससे पहले क्या जनता सब जानती नहीं है कि आपके सुख दुख में कौन आया, कभी फोन आपने उठाया, कभी आप लोगों के बीच में गए, तो ये सारी बातें सब जनता जानती है, इसलिए इस बातों का जवाब भी बाड़मेर की जनता देगी।